वेलकम टू माय चैनल श्रीजी उत्सव। आज मैं आपको रास का पांचवा पाठ बताने जा रही हूँ, कृष्ण महारासेश्वर श्री कृष्ण। तो आइए, जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला होता है तो आसमान का रंग काले से नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला था और ना ही नीला था। यह भी उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था और उनकी त्वचा का रंग श्याम भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला नीला और सफ़ेद मिश्रित। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम भी करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, इसी इस सुगंध की दीक्षा को देखने में लगते थे। इसलिए अगाधवास के समय द्रौपदी को चंदन का उपटन और इत्रादि का लेप भी किया गया, जिसके चलते उनको सैरंद्री कहा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का गुण, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को जय किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारका को तो उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास के क्षेत्र में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के इसी प्रभाव के क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे, तभी से वे वहां रहने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिए ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले उजाड़ रही कुशली को फिर से निर्मित कराया था। जो भी हो, भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मै दानव ने मिलकर बनाया था। भगवान श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवजी सावंत की किताब युगांधर के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और दूसरी ओर वे पशुपात अस्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपास्त्र के शिव के पास श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसर्व पास्त्र भी था जो शिव वसुगण भीष्म के पास ही था। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। कृष्ण ने प्रद्युमन का और प्रद्युमन से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युमन के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे और उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वारासुर के अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं आया था। तो रास संपूर्ण होता है कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करके मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या